दुर्ग के बघेरा वार्ड में धारदार हथियार से चाकू पर हमला करने वाले दो युवकों को दुर्ग कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के समय घायल युवक अपने दोस्त के साथ बघेरा चौक पर बैठा हुआ था। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड 56 बघेरा में आरोपी सुनील ढीमर व बिल्लू ने रामकृष्ण साहू की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त घटित हुई जब रामकृष्ण साहू अपने एक अन्य दोस्त के साथ बघेरा चौक पर बैठा हुआ था। तभी आरोपी सुनील ढीमर व बिल्लू वहां पहुंचे और रामकृष्ण साहू से पैसों की मांग करने लगे और पैसे नहीं देने पर पहले उन्होंने एयरगन दिखाकर रामकृष्ण साहू को डराने का प्रयास किया और बात बनती न देख उन्होंने उसके साथ मारपीट प्रारंभ कर दी और धारदार हथियार से उसके गले पर वार कर दिया। इस घटना में गंभीर हालात में रामकृष्ण साहू को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी शिवा सिंह ने बताया कि इस मामले में आरोपी सुनील ढीमर व बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को थाना प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिनांक 17/8/2022 को शाम को 7:45 के आसपास के समय में विवेक नामदेव ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके परिचय के व्यक्ति के गले पे जो है किसी धारदार वस्तु से चोट आई हुई है, जिसके मामले को गंभीरता में ध्यान में रखते हुए अनामितक आरोपी पक्षों के विरुद्ध में धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले में विवेचना करते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। फिलहाल रामकृष्ण साहू के हत्यारे सुनील ढीमर व बिल्लू पुलिस की गिरफ्त में है। ब्रांड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।